दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज के इस सेशन में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सालों पुरानी बात है, मैं मेरे साइकेट्रिस्ट दोस्त के घर पे था। एज यूजुअल दो दोस्तों के बीच जो हर तरह का डिस्कशन होता है वैसे ही हमारा चल रहा था। बात से बात निकल ही आई और मैंने पूछा कि यार अच्छा मूड बना रहे, दिमाग ट्रैक पर रहे, इसलिए तू क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। सामने पड़ी एक 10-12 पेज स्टेपल की हुई नोटबुक उसने मेरे हाथों में थमा दी। पेजेस पर अलग अलग तरह तरह के कोट्स लिखे थे और वो बोला दिन में एटलीस्ट 5 से 7 बार ये मैं पेजेस पढ़ता हूं और मेरा मूड सेट हो जाता है। फिर उसके बाद उसने इफेक्टिव कोड बुक्स कैसी बनाई जाती है इसकी स्ट्रेटेजी मुझे पूरे डिटेल में बताई। उस नोटबुक में से कुछ कोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अगर अच्छे लगे तो इन्हें आप बेशक ले ले, अपनी डायरी में लिख ले या इनके ऊपर कंटेम्पलेट करें। ओके, नंबर 1, देर आर नो फेलियर्स ओनली रिजल्ट्स। नंबर 2, क्राइंग एंड ब्लेमिंग doesn't work as a strategy. Number 3, your past is not equal to your future. Number 4, resourcefulness is higher than the resources. Number 5, you can't grow without challenges. Number 6, the more actions I take in regard to my problems, the less time and energy I will have to obsessively worry about them. दोस्तों इनके ऊपर सोचिएगा जरूर। अगर आप जानना चाहते हैं कि इफेक्टिव और रिजल्ट्स देने वाली कोड बुक्स कैसे बनाई जाती है, उसे पढ़ने का रिचुअल तरीका क्या है, उसी रिचुअल से उसे क्यों पढ़ना चाहिए और क्या बेनिफिट मिल सकते हैं उससे, तो अभी इसी वक्त हमारे वेबसाइट पर जाइए और अपना फ्री कंसल्टेशन बुक कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें कॉल, व्हाट्सएप या एसएमएस भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स भी वेबसाइट पर है। तो दोस्तों हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टे हैप्पी। Chiral Ventures, precise, profitable results.